हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और मैं आज आपको पता है कि मैं आपको ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशन की सीरीज़ पढ़ा रही हूँ। इसी में जो नेक्स्ट पार्ट है, उस पार्ट का नाम है, देख रहे हैं आप, ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशन की सीरीज़ में सचिवालय। और आप इसमें भी देख रहे हैं पार्ट 6A मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो एक पार्ट में नहीं आ पा रहा है, तो उसको भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी आपने देखा था कि मैंने उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो यहाँ भी मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज आप पढ़ रहे हैं पार्ट ए। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्लियर करना चाहूँगी, सचिवालय। सचिवालय मतलब क्या? वो स्थान कह सकते हैं या वो बिल्डिंग जहाँ पर यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स और जनरल सेक्रेटरी, महासचिव सभी लोग बैठते हैं और नई पॉलिसीज़ और नए नए वर्क को करते हैं। तो सचिवालय बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर वो लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गन के वो मेंबर्स बैठते हैं, एम्प्लॉयज़ बैठते हैं, जनरल सेक्रेटरी बैठते हैं, जहाँ से पूरे वर्क को यूनाइटेड नेशन को किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के सारे काम को यहीं से किया जाता है। तो अब शुरुआत कर दूं कि सचिवालय की शुरुआत कैसे हुई। तो 1907 के 1907 के हेग कॉन्फ्रेंस द्वारा 25 सदस्यों के एक सचिवालय की स्थापना की गई थी। और इसका जो अपॉइंटमेंट था, जितना कॉन्फ्रेंस में जितने गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, उन्हीं के द्वारा की गई थी। तो कह सकते हैं कि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख प्रशासनिक अंग है। तो अब टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। और स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, तो आपको दोनों में नॉलेज मिलेगी। अब मैं आगे बताने जा रही हूँ कि सचिवालय क्या है। तो मैं बता दूँ कि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशासनिक अंग है जहाँ पर महासचिव और अन्य कर्मचारी होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है और चार्टर के चैप्टर 15 के अंतर्गत आर्टिकल 97 से लेके आर्टिकल 101 तक में सचिवालय तथा महासचिव पद का उल्लेख किया है। तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि चैप्टर कौन सा है 15 और आर्टिकल कौन सा है 97 से आर्टिकल 101 तक में। कौन कौन होता है? जनरल सेक्रेटरी और अदर एम्प्लॉय। यहाँ पर सचिवालय में यूनाइटेड नेशन के दिन प्रतिदिन को ये कामों को निपटाते हैं और इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यहाँ पर सारे इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ फैले होते हैं, पूरी दुनिया के कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो अपने काम को बेस्ट तरीके से कर सकें, वो सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हैं। तो सचिवालय क्या करता है? ये सभी ऑर्गन्स की सेवा करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। सचिवालय का जो मेन होता है वो जनरल सेक्रेटरी होता है, जिसे जनरल असेंबली द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और दोबारा इनके टर्नओवर को जनरल सेक्रेटरी को बढ़ाया जा सकता है। तो याद करने वाली चीज़ें हैं कि 5 साल पहला अपॉइंटमेंट होगा और उसके बाद इनके टर्नओवर को, जनरल सेक्रेटरी के टर्नओवर को बढ़ाया जा सकता है, दोबारा ये अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो आगे और चीज़ कि ये क्या करता है, इसका काम क्या है? मल्टीपर्पज़ है, अलग अलग कई तरीके के काम करता है। मेन काम यूनाइटेड नेशन का सचिवालय क्या कर रहा है कि शांति संबंधी प्रयासों को लेकर, इंतजाम को लेकर, इंटरनेशनल जितने भी डिस्प्यूट आते हैं उन डिस्प्यूट्स को मीडिएशन के द्वारा सॉल्व करता है, मध्यस्थम के द्वारा सॉल्व करना चाहता है कि सारे के सारे डिस्प्यूट मीडिएशन के द्वारा सॉल्व हो। तो जितने भी कर्मचारी होंगे वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक सर्वे करते हैं, और जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो, सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर ये रिपोर्ट तैयार करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को बना ऑर्गेनाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और कहते हैं कि सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सबका ये क्या करते हैं, निगरानी भी करते हैं, वॉच भी करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं। इनकी जो आधिकारिक भाषा होगी, व्याख्यान और दस्तावेज को ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं। और जितने भी इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हों, चाहे ये कह सकते हैं जितने इंफॉर्मेशन के प्रोग्राम हो, इंटरटेनमेंट हो, इंफॉर्मेशन हो, और कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो, नेसेसिटी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चीज़ों को ये प्रोवाइड करते हैं मीडिया को। इनके माध्यम से ही सारी इंफॉर्मेशन मीडिया में पहुँचती है। तो लगभग कह सकते हैं कि
इतने सारे कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है महासचिव होता है, और सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। देखिए कर्मचारियों के जो नंबर्स हैं वो घट बढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं वर्क के द्वारा ये घटते और बढ़ते रहते हैं। तो अभी मैंने एक लिखा हुआ है, लगभग अनुमानित संख्या है। तो और क्या क्या काम कर रहे हैं महासचिव और जनरल सेक्रेटरी, किसके प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यूनाइटेड नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हें इस बात की शपथ लेनी पड़ती है, ओथ लेते लेनी पड़ती है कि किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी तरीके के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। आर्टिकल 100 में हर सदस्य देश को ये वचन देना होता है कि महासचिव, जनरल सेक्रेटरी और उसके एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरीके से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। हम उनको बिल्कुल फ्रीली इंडिपेंडेंट काम करने देंगे, आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है। अब इसका जो मुख्यालय है, याद रखेंगे, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और 3 इसके ऑफिस और हैं। ये ऑफिस के नाम भी मैंने लिखे हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिनेवा, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय वियना और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय नैरोबी। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि और कहाँ कहाँ ऑफिस हैं। सचिवालय जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, और इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको पार्ट्स में लिखा हुआ है, सुरक्षा संबंधी परिषद कार्यों का विभाग, आर्थिक विभाग, सामाजिक कार्यों का विभाग, सार्वजनिक सूचना विभाग, सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग, विधि विभाग और न्यास एवं स्वसत्र क्षेत्रों में सूचना विभाग। तो ये अलग अलग तरीके से अपने डिपार्टमेंट के द्वारा क्या करता है, कामों को पूरा करता है। तो इसके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और अपने हर डिपार्टमेंट के द्वारा ये अलग अलग कामों को करता है। देखिए हर एक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में वहाँ पर एक प्रेसिडेंट होगा, एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, और ये उप महासचिव के नीचे एक आध कह सकते हैं कि डायरेक्टर्स होते हैं हाई रैंकिंग के, और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? डायरेक्टर जनरल कौन कर रहा है? सेक्रेटरी जनरल कर रहा है, महासचिव कर रहा है। और इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो इनका अपॉइंटमेंट होगा, वो इनकी क्वालिफिकेशन के आधार पे, इनके रीजन के आधार पे इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और यथासंभव ये प्रयास किया जाता है, ये कोशिश की जाती है कि हर एक रीजन को रिप्रेजेंटेशन का अवसर ज़रूर मिले, अपॉर्चुनिटी सभी को मिले अपने अपने जगह पर रिप्रेजेंट करने की, क्योंकि जब ये होता है तो किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जो है महासचिव है, और कह सकते हैं कि महासचिव इतना इम्पॉर्टेंट है कि सारे काम उसी के द्वारा किए जाते हैं। तो महासचिव क्या करता है, देखिए वो एक मेन ऑर्गन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। इस हैसियत से महासचिव जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल की सभी मीटिंगों में भाग लेता है और वो सभी कामों को करता है। तो वो एक मेन ऑफिसर है, वो एक कह सकते हैं कि मीडिएटर का भी काम करता है, मोटिवेटर का भी काम करता है, और पूरे वर्ल्ड का, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक संसार है, वो संसार जो शांति की स्थापना के लिए प्रयास कर रहा है। तो सेक्रेटरी जनरल क्या करता है, कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन के सिंबल के रूप में देखा जाता है। और इसकी मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी सैलरी लिखी हुई है, 2017 से सैलरी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सैलरी कौन फिक्स करता है? जनरल असेंबली फिक्स करती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। महासचिव के काम में उसको लगातार उत्साह होना चाहिए, सेंसिटिव पर्सन होना चाहिए। जो भी डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है, चार्टर में लिखा हुआ है, वो आइडियल के रूप में वो प्रेजेंट करेगा। वो एक सिंबल है, क्योंकि वो जो भी बोलता है जनरल सेक्रेटरी, वो वर्ल्ड पीस के लिए बोल रहा है। तो वो एक क्या कर रहा है कि वो एक ऐसा रोल अदा कर रहा है कि कह सकते हैं कि वो एक आइडियल पर्सन का रोल अदा कर रहा है। तो घोषणा पत्र में महासचिव को अधिकार भी दिया गया है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो लगता है कि सुरक्षा परिषद के सामने वो पेश कर सके, जिससे उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचने की आशंका हो, तो वो क्या करेगा, वो प्रेजेंट कर सकता है, वो बता सकता है सिक्योरिटी काउंसिल को कि ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा डिस्प्यूट है जिससे इंटरनेशनल पीस को खतरा हो सकता है, तो वो अपनी राय को रख सकता है। देखिए महासभा में आप जान चुके हैं कि जनरल असेंबली क्या कर रही थी, सबके मैंने आपको ऑर्गन्स पढ़ाए, और इस समय जो सचिवालय पढ़ा रहे हैं उसमें जनरल सेक्रेटरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब जनरल सेक्रेटरी क्या करता है, वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जनरल असेंबली को भेजता है, और कह सकते हैं कि जब वो रिपोर्ट भेजता है उसी पर बहस शुरू होती है। तो घोषणा पत्र में
जनरल सेक्रेटरी, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सब के कामों को करने में हेल्प करता है। वो एक इंटरनेशनल कह सकते हैं कि प्रवक्ता है, एक मेन पर्सन है जो अपने रोल को पूरी तरीके से अदा करता है। उससे ही अपेक्षा की जाती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाए और किसी भी तरीके का स्ट्रेस अपने आप में ना ले, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। इसलिए एक जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट ऐसा है कि आपको बिना स्ट्रेस के सभी कामों को करना है जो आपसे आशा की जा रही है। तो सचिवालय में प्रमुख अधिकारी अगर देखा जाए तो महासचिव ही है और वो पूरा प्रशासन का, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव की पूरी जिम्मेदारी उसी पर होती है। तो वो पूरा एक लोगों में, अपने एम्प्लॉयज़ में एक टीम की तरह उनको काम करने के लिए क्या करता है, एक मोटिवेशन देता है ताकि पूरी टीम की तरह सारे लोग मिलकर काम करें। तो आगे आइए और देखिए, आम लोगों के बीच में जनरल सेक्रेटरी को कह सकते हैं कि निवारक कूटनीति के लिए जाना जाता है और वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट अगर कहीं आ रहे हैं तो उनको रोकने का प्रयास करेगा। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो भी जनरल सेक्रेटरी शब्द बोल रहे हैं उस शब्दों की इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि वो डिस्प्यूट को रोकने में सहायता दे सकती है। तो इसके शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है कि महासचिव का, इसीलिए जनरल सेक्रेटरी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके रोल और फंक्शन क्या है, इसके लिए भी मैंने स्लाइड्स बनाई हुई, आप देख सकते हैं भूमिका और कार्य किसकी, जनरल सेक्रेटरी की। तो अब शुरू करें कि चार्टर के अनुसार जो जनरल सेक्रेटरी है, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। इस हैसियत से वो जनरल सेक्रेटरी होने के नाते जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल की सभी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है। वो सभी कामों को करता है जो उस ऑर्गन के द्वारा उसे दिए जाते हैं। वो एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है और एनुअल रिपोर्ट जनरल असेंबली को देता है और उसी रिपोर्ट पर बहस होती है। तो आप देख रहे हैं स्लाइड संदिग्ध दोनों में है। अब चार्टर के आर्टिकल 98 के अंतर्गत ऐसे अनेक काम होते हैं जिन्हें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद द्वारा किए जाएंगे, लेकिन जितने भी टेक्निकल वर्क होंगे उनके, इन सारी असेंबलीज के, वो टेक्निकल वर्क को करने में कौन मदद करेगा, जनरल सेक्रेटरी महासचिव, और वो सारे के सारे टेक्निकल काम को करता है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जनरल असेंबली द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सचिवालय के वो क्या करता है, सारे एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट करता है। इसका मतलब तय कौन करता है नियम्स, जनरल असेंबली। तो महासचिव के अंतर्गत उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि यूनाइटेड नेशन का बजट कैसे चलाया जाएगा, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल सेक्रेटरी की होती है। वो बजट तैयार करता है, बजट कमेटी से एडवाइस लेता है, स्पेशल एजेंसीज के लिए, सभी ऑर्गन्स के लिए वो बजट को कंपेयर करके बजट बनाता है और वो कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जितने भी फंड्स होते हैं उनको वो एक सेफ गार्ड की तरह क्या करता है, उनकी सेफ्टी करता है और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस के लिए वही लायबल होगा। वो केवल जनरल सेक्रेटरी केवल एक, अभी कह सकते हैं कि वो एक इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है कि वो एक एजेंट भी माना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव भी माना जाता है, क्योंकि वो अलग अलग ऑफिसर्स के साथ, अलग अलग अधिकारियों के साथ, गवर्नमेंट के साथ वो क्या करता है, सबको रिप्रेजेंट करता है और यूनाइटेड नेशन की ओर से वही एग्रीमेंट करने का काम करता है। तो उसका रोल मल्टीपर्पज़ का रोल है। तो महासचिव कुछ राजनीतिक काम भी करता है, जैसे आर्टिकल के आर्टिकल 99 में कहा गया है कि जनरल सेक्रेटरी जब भी लगता है कि उसे सुरक्षा खतरे में है, इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल को ध्यान दिलाता है और उन मुद्दों पर क्या होती है, बहस शुरू हो जाती है कि क्या वास्तव में इंटरनेशनल पीस खतरे में है। अगर ऐसा लगता है तो उस पर वर्क करना शुरू कर देता है ताकि बिल्कुल इंटरनेशनल पीस हमेशा बना रहे। महासचिव सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो सोशल हो, सभी इवेंट्स को प्रेजेंट करता है और अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है जिसके पॉलिटिकल रिजल्ट निकल सकते हैं तो उनको रोकने का काम करता है। जनरल सेक्रेटरी, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन के सभी ऑर्गन के बीच में कह सकते हैं कि एक चेन का काम करता है, कड़ी का काम करता है और वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को खुद इसीलिए प्रेजेंट करता है और पहले से ही क्या करता है, वो सीक्रेट कन्वर्सेशन शुरू कर देता है सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। इसका मतलब डिस्प्यूट होने ही नहीं देने का, होने देना है वो इसका प्रयास करता है। जो जनरल सेक्रेटरी है वो कह सकते हैं कि वर्ल्ड में पूरे विश्व को, लोकमत को संबोधित करता है, वो पब्लिक ओपिनियन रखता है और शांति के लिए वो लोगों से क्या करता है, अपील करता है। मतलब वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आम लोगों में इतना पॉपुलर हो कि वो जो भी बात रखे
लोग उसकी बातों को सुने और समझें और समझें कि वो किस लिए बोली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जनरल सेक्रेटरी का रोल सचिवालय में कितना इम्पोर्टेंट है। अब और कौन कौन सा वो काम कर रहा है, तो एक मैं आपको बता दूं कि एक राइटर थे प्रोफेसर गुड स्पीच, उन्होंने कहा था कि महासचिव अकेला व्यक्ति है जो पूरे यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंटेटिव करता है। इस काम में उससे आशा की जाती है कि वो सभी एजेंसीज के साथ, सभी इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करेगा। तो इतना इम्पोर्टेंट रोल उसका है कि वो अपने सभी कामों को क्या करेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करेगा। और इसी में डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया की ओर से फर्स्ट आप कह सकते हैं जज भी थे, उन्होंने भी कुछ कहा था महासचिव पोस्ट के लिए। कहा था कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में शांति स्थापित करने वाले में आज जनरल सेक्रेटरी का जो एक पोजीशन का जो विकास हुआ है, वो उससे यूनाइटेड नेशन में उसका इम्पोर्टेंस और प्रेस्टीज लगातार बढ़ती चली गई है। तो महासचिव का रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि उसकी लगातार कह सकते हैं कि उसके पोस्ट की इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे राइटरों ने जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए अपने अपने ओपिनियन को रखा, और उसमें एक और पर्सन थे प्रोफेसर गुडरिच, उन्होंने कहा कि महासचिव एक ऐसा व्यक्ति है जो यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो पूरे के पूरे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको चेन की तरह जोड़ने का काम करता है, और वो सारे उन कामों को करता है जिससे इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा मिल सके। तो आपको आज आपने देखा कि मैंने आपको जो पढ़ाया वो सचिवालय के बारे में और महासचिव के बारे में, जनरल सेक्रेटरी के बारे में कितनी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आती हैं। तो एक एक चीज़ आपको बताई। अब महासचिव क्या करेगा, जितने भी विश्व के नेता होंगे, अन्य व्यक्ति होंगे, उनसे डे बाय डे उनसे मिलता है, यूनाइटेड नेशन के सेशन जितने होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है, वर्ल्ड ट्रेवल करता है, महासचिव रिपोर्ट जारी करता है, और भविष्य में फ्यूचर में किस तरीके से प्रायोरिटी पे किन किन चीज़ों को लेकर काम किया जाएगा उनको भी वही तय करता है। तो कभी भी महासचिव को अपना वोटिंग रखने में, अपना ओपिनियन रखने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वो काम कर रहा है बहुत उसका कह सकते हैं कि सारा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसकी होती है, तो वो अपने काम को बेस्ट तरीके से करता है। देखिए महासचिव जितने भी इम्पोर्टेंट मुद्दे होंगे उनको भी प्रायोरिटीज़ के साथ क्या करेगा, डिसाइड करवाने का काम करेगा। तो आपने देखा कि मैंने आपको जितनी भी बातें बताई सचिवालय को लेकर, वो आपको समझ में आ गई होंगी, और आपको महासचिव का रोल भी समझ में आ गया होगा कि जनरल सेक्रेटरी कितना इम्पोर्टेंट है। तो सचिवालय जो है वो इंटरनेशनल नेचर को बनाए रखने के लिए अपना इंटरनेशनल नेचर अपना बनाए रखता है, और चार्टर में दिया भी गया है कि महासचिव और उसके कर्मचारी किसी भी गवर्नमेंट के आदेश का पालन नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य महासचिव तथा उसके जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का और सभी इंटरनेशनल चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, वो अपनी कार्य क्षमता को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जितने भी इम्प्लॉयज़ होंगे वो हॉनेस्ट होंगे, और वो सभी क्वालिफिकेशन होगी जो उन्हें आम लोगों से अलग करती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि आप ध्यान रखेंगे कि कौन सबसे पहली चीज़ है, आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से अभी तक महासचिव आए, ये मैं आपको पार्ट बी में पढ़ाऊँगी। और अभी के लिए केवल इतना ही कि इतना इम्पॉर्टेंट है सचिवालय का रोल कि बिना सचिवालय और महासचिव के हम किसी भी यूनाइटेड नेशन के किसी भी प्रोग्राम की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो महासचिव का जो पोस्ट है वो लगातार उसकी इम्पोर्टेंट बढ़ती चली जा रही है, और उसका एक अलग से कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस हो गया है, उसका एक अलग से अस्तित्व है। वास्तव में जो जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव एक हाई क्वालिफाइड प्रेजेंट, अपने आप को हाई क्वालिफाइड कह सकते हैं पर्सनालिटी है, रिप्रेजेंटेटिव है, और उसे अपना काम इतनी सावधानी से करना चाहिए कि एक आइडियल के साथ रियलिटी का तालमेल हो सके। मतलब आइडियल और रियलिटी, इन दोनों चीज़ों का तालमेल होना ज़रूरी है। तो आज जो बातें आपको याद रखनी है इम्पॉर्टेंट वो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, फिर से आपको दो मिनट में मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूँ कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है जो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ आपको। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि किस चैप्टर में दिया गया हुआ है, वो भी मैंने आपको शुरुआत में बताया, चैप्टर 15 है। आर्टिकल जो है 97 से लेके आर्टिकल 101 तक हैं, और कहाँ पे इसका कार्यालय है, न्यूयॉर्क में। महासचिव किसको, महासचिव जनरल सेक्रेटरी कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, 5 साल के लिए इसका दोबारा अपॉइंटमेंट किया जा सकता है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए, किस चीज़ को करने का काम करता है? इंटरनेशनल डिस्प्यूट को मीडिएशन के द्वारा सॉल्व करने का काम करेगा, जितने भी ऑर्गन्स होंगे उन सात किस्म के साथ चेन बना के काम करेगा, लगभग कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं स्लाइड्स में देख रहे हैं, लिखा भी हुआ है। और आर्टिकल 100 आपको याद रखना है, आर्टिकल 100 में क्या कहा गया है कि हर एक देश प्रॉमिस करेगा कि वो महासचिव और उसके एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरीके से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। तीन ऑफिस और कौन कौन से हैं ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। कितने वर्क हैं? 8 वर्क हैं, वो आप याद रखेंगे। और अब ये याद रखेंगे कि कितनी सैलरी है, 2017 के बाद सैलरी में चेंजेस नहीं हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि 1997 के बाद सैलरी में चेंजेस नहीं हो पाए हैं, और जनरल असेंबली जो भी सैलरी तय करती है वो मिलती है, सैलरी में चेंजेस अभी नहीं हुए हैं, सैलरी यही चल रही है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, सारे स्लाइड के थ्रू मैंने लिख दिए हैं। आर्टिकल 98 में क्या कहा गया है? महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप में काउंसिल के साथ कोऑर्डिनेट करके सारे कामों को करेगी, जितने भी उनके टेक्निकल काम होंगे। तो ये भी आर्टिकल 98 कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 99 में क्या कहा गया है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखेगा, और अगर जरा सा भी इसको लगता है कि कुछ खतरा हो सकता है तो उस पर वर्क करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें मैंने डिस्कस की वो इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और पार्ट बी में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी। थैंक यू।